जब से केंद्र में प्रदेश सरकार में भाजपा की सरकार बनी है तभी से गांव व शहरों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उक्त बातें डुमरियागंज लोकसभा के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा। विकासखंड खुनिया गांव के पचमोही से दुबायल पांडेय तिगरा घाट मार्ग लगभग 331.64 लाख की लागत से ग्रामीण अभिनियंत्रण विभाग के द्वारा बनवाई जा रही सड़क के शिलान्यास के अवसर पर पंचमोहिनी चौराहे से जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के पहले उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जनपद की सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी, मगर योगी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। कोविड के समय 135 करोड़ लोगों को कोविड से बचाने के लिए 200 करोड़ लोगों को मुफ्त टीके कराकर लोगों की जान बचाने का कार्य किया गया। कोविड के समय किसी व्यक्ति की भोजन के अभाव में जान ना जाए उसके लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। तो वहीं भारत की अर्थव्यवस्था को भी दुनिया के सामने टॉप पर रखकर प्रधानमंत्री ने भारत का लोहा मनवाया। मौके पर मदन सिंह, बाल मुकुंद पांडे, शैलेन्द्र विक्रम सिंह, ओम प्रकाश पांडे, राधेश्याम गुप्ता, राम निवास उपाध्याय, अखिलेश मौर्य, फतेह बहादुर सिंह, हृदय राम पाठक, सूर्य प्रताप सिंह, राम कुमार पांडे, गब्बू फूलचंद यादव, अखंड पाल सिंह, नागरेंद्र यादव, गुड्डू सिंह, अमरेंद्र सिंह, मनोज चौबे, ऋषिकेश पांडे आदि उपस्थित रहे। नेशनल हाईवे हो गया, परोना कुशीनगर से लेके पीलीभीत वाया सोहरतगढ़ मंडी और एक ककरहवा से बस्ती सिद्धार्थनगर वाराणसी, तो आज जिस तरह से सिद्धार्थनगर अभी पूर्वक्ताओं ने कहा बदलना, जब मैं आया था तो एक गांव जैसा लगता था। जिला मुख्यालय में जाने के बाद शाम को 6 बजे कप चाय नहीं होती थी, जैसा अभी अखिलेश मौर्य जी ने कहा कि कितना विकास के काम हो रहे हैं। तो ये आप किस चीज को महसूस कर, अंग्रेजी नहीं आएगा तरक्की नहीं कर पाएंगे। आज हमारा प्रधानमंत्री इस हिंदी जो भारत की राष्ट्रभाषा है, भारत का सम्मान है, भारत की पहचान है, भारत का निशान है, आज वो हिंदी से यूनाइटेड नेशन हो या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में बोला था और आज दुनिया के मंचों पर हिंदी बोलने का काम जिंदाबाद। और आज ये जान के खुशी होगी कि जिन अंग्रेजों के हम गुलाम थे उस गुलामी की दास्ता की जंजीरों से झगड़े थे और दुनिया की जो 5 ताक गुलामी है, 5 मजबूत देश है अर्थव्यवस्था में पैसे अमेरिका।